हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक था सारणिक। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे कि सहखंड क्या होते हैं और उपसारणिक क्या होते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन जो है उनको बाय ऑप्शन से भी अगर करना चाहो तो कैसे करते हैं, वो सिर्फ डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले है माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई सारणिक है और उसमें जो एलिमेंट है उनका माइनर पता करना है। तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने अवयव होते हैं उतने ही उसके क्या है, माइनर, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उन एलिमेंट्स के कोरोस्पोंडिंग उतने ही क्या होते हैं, आपके माइनर्स होते हैं। प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है। माइनर क्या होता है, उपसारणिक। तो जितने अवयव हैं उनके कोरोस्पोंडिंग उन सभी के क्या होते हैं, उपसारणिक स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आपको 2 का उपसारणिक बनाना है, 2 का। तो M फॉर माइनर किसका, ये कौन सा अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ M12, इस 2 का चाहिए। तो 2 की पंक्ति और 2 को स्तंभ को उठाते तो कितना आएगा, 5। ऐसे ही 5 आएगा, 5 का सारणिक कितना आएगा, 5। ऐसे ही M12 कौन सा हो गया, 3 का चाहिए, तो 3 और इसके उठा दो तो कितना बचा, 4, उपसारणिक तो 4 मान आ गया। ऐसे ही M21 चाहिए तो कितना जाएगा, 3, और M22 चाहिए तो कितना जाएगा, 2 ना। तो उपसारणिक कैसे पता करते हैं कि उपसारणिक, किसी भी अवयव का उपसारणिक चाहिए, आईथ पंक्ति और जेथ कॉलम का उपसारणिक चाहिए, तो आईथ पंक्ति व जेथ स्तंभ को हटाने पर आपका क्या बन जाता है, माइनर बन जाता है, जैसा अभी किया है। ठीक है, आगे दोस्तों आता है को फैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। जितने को फैक्टर्स को बोलते हैं सहखंड। दोस्तों एक तो होता है सहखंड और एक होता है सहखंडज। सहखंडज तो मैट्रिक्स होती है और सहखंड होता है अवयव। ठीक है, तो को फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जो अवयव है उनके जितने को फैक्टर्स आएंगे, जितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उनके कोरोस्पोंडिंग उतने ही क्या आएंगे, को फैक्टर्स आएंगे। अब को फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं, आप क्या ज्ञात कर लो, माइनर ज्ञात कर लो, है ना। उसके कोरोस्पोंडिंग क्या जाएगा, उसका को फैक्टर सी आई जे आ जाएगा। आईथ पंक्ति और जेथ कॉलम का जो अवयव, उसका को फैक्टर चाहिए तो उसका माइनर पता कर लो, और उसका जो चिन्ह है वो या तो प्लस होगा या माइनस, उससे गुणा कर दो। तो मैं लिख रहा हूं -1 की पावर i + j। अगर i और j का योग सम है तो प्लस हो जाएगा और विषम है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अपन ये को फैक्टर और माइनस ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। ठीक है, तो ये है पहले सारणिक में अवयव 4 का सहखंड ज्ञात कीजिए। किसका सहखंड चाहिए, 4 का। 4 कौन है, ये। तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को उठा दो तो वो कौन सा आएगा, माइनर आएगा। कौन सा है ये, 4 का माइनर, है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं, 4 का उपसारणिक ज्ञात किया तो कितना आएगा, वो तो 1 3 1, फिर आएगा 8 0 1 0 2 1। अब इसका को फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए। तो इसका देखो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो ऐसे करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस। तो एम ये जो आया इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, यहीं ज्ञात कर लो अपने। तो इसके लिए याद करने के लिए लिखा 1 3 8 0 और 0 2, तो ये दोस्तों आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 8 2 16। इधर से याद किया, ये आ गया 0, ये आ गया 2, और ये आ गया 8 3 24, तो 26 आ गया। तो 16 - 26 कितना आ गया, -10। तो ये आ गया -10, तो कितना आ गया, -10, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है, और कैपिटल a1 b1 c1 क्रम से ए बी सी के क्या है, सहखंडज हैं। तो सारणी का मान ज्ञात कीजिए, क्या है, सहखंडज। तो यहाँ दोस्तों कुछ एक चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले देखिए
किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के सहखंडों से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान प्राप्त होता है। सारणिक का मान प्राप्त होता है जब अपन प्रसार करते हैं तब यही चीज होती है ना, ए पहला अवयव फिर उसका उपसारणिक तो लिखते हैं वहां, और दूसरा अवयव उसका उपसारणिक, लेकिन दूसरे अवयव को क्या लिखते हैं माइनस के साथ, तो माइनस को उपसारणिक में कंसीडर कर लो तो क्या बन जाएगा कोफैक्टर। तो किसी भी पंक्ति के अवयव को उसी पंक्ति के सहखंडों से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान प्राप्त होता है, लेकिन पंक्ति कोई और सहखंड किसी और पंक्ति के उनको आपस में गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है जीरो, है ना। लिख देते हैं किसी भी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के अवयवों के साथ गुणा किया जाए तो मान शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे इनको अपन मैथमेटिकली लिखें तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, और इसी का सहखंड लिख दिया A11, A12 और A13, इनको गुणा कराओगे तो किसका मान आएगा, सारणी का मान। लेकिन अवयव जो है वो पहली पंक्ति के हैं और सहखंड जो है वो दूसरी की पंक्ति के हैं या तीसरी पंक्ति के हो जाएं, इनको गुणा कराओगे, गुणा करा के जोड़ोगे तो मान कितना आएगा, जीरो। तो किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके जोड़ा जाए, है ना, जोड़ने का नहीं लिखा मैंने, गुणा करके जोड़ा जाए, है ना, गुणा करके जोड़ा जाए, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी गुणा करके जोड़ा जाए तो मान जीरो प्राप्त होता है। तो यही एप्लीकेशन है अपना अगला, देखिए। तो ये है कि ये डेल्टा इसका मान है और A1, B1, C1 क्रम से है, ये है इसके क्या है A1, B1, C1 के क्या है उपसारणिक, तो इसका मान कितना होगा, ठीक है, करें। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके मान को मान लिया डेल्टा डेस, तो मैं क्या कर रहा हूँ डेल्टा को डेल्टा डे से गुणा कर रहा हूँ, तो क्या आएगा A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, और ये क्या है कैपिटल A1, B1, C1, कैपिटल A2, B2, C2, कैपिटल A3, B3, C3, और ये जो क्या है जो अवयव है उनके संबंधित सहखंड। अब गुणा करोगे इसको तो सारणी को पंक्ति से गुणा करोगे तो ये क्या आएगा A1, B1, C1, फिर क्या आएगा A1, A2, B1, B2 और C1, C2, ऐसे आएगा, है ना। अब देखो यहां से मैं अब सारा गुणा नहीं कर रहा, जगह भी नहीं है मेरे पास, तो ये तो क्या हो जाएगा डेल्टा, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसका मान कितना आएगा जीरो। ऐसे यहां पहली पंक्ति और इसका तीसरी, ये आएगा तीसरी के सेकंड, तो ये आ जाएगा जीरो। ऐसे यहां करोगे तो इस दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के सेकंड से गुणा करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के सेकंड से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा, और दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के सेकंड से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो। ऐसे तीसरी पंक्ति के पहली पंक्ति के सेकंड से गुणा करोगे तो जीरो, इसको इससे गुणा करोगे तो यहाँ पे भी जीरो, और इसको इससे गुणा करके ये आएगा यहाँ पे, तो सी हो जाएगा डेल्टा, और ये भी कितना हो गया डेल्टा, तो डेल्टा आ गया कॉमन, तो ये हो गया डेल्टा क्यूब, ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इकाई अवयव के सारणी का मान कितना होता है एक, तो यह आ गया डेल्टा, डेल्टा डैश बराबर आ गया डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा डैश बराबर आ गया डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, एक है कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड,
द्वितीय पंक्ति ये लीजिए, ये चार का चाहिए तो ये हटाया, ये हटाया तो कितना आ गया 6 3 -7 3। ऐसे इसका लिखूंगा तो कितना है, ये हटाया ये हटाया तो कितना आएगा 5 3 -4 3। और ऐसे इसका लिखूंगा तो इसको हटाया तो कितना आएगा 5 6 -4 -7। और इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस से गुणा किया, इसका चिन्ह होता है प्लस और इसका होता है माइनस, ज्ञात कर लो ये। तो ये आया 6 3 18 7 21, 21 और 18 39 हो गया। तो 39 ये लीजिए पहले में आ रहा है, ये लीजिए ठीक है, इसको देखोगे तो ये आएगा 5 3 15, एक मिनट 6 3 18, ओहो -39 आ रहा है ना, ओके 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 -39 हो रहा है दोस्तों, ठीक है जल्दबाजी नहीं करनी है ना, ये -39 आ रहा है तो इसमें आ रहा है ये रिजेक्ट। फिर आ गया 5 3 15 और 4 3 12, तो ये आ रहा है 27, ये लीजिए ये आ रहा है। इसको सोल्व करोगे तो 7 5 35 और प्लस का 24, तो ये आ गया आपका 11 और माइनस का माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 11, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ओके चलिए आगे सारणिक में अवयव -4 9 के उपसारणिक ज्ञात करने हैं, तो -4 का उपसारणिक ये आएगा अपना -18 और -24, तो ये आ गया आपका 42 ठीक है। और 9 का उपसारणिक आएगा ये लीजिए, 9 का उपसारणिक ज्ञात करते हैं, ये आ गया तो ये 5 आएगा और 8 आएगा माइनस, तो ये आएगा -3, तो -42 -3 ये लीजिए एक में आ रहा है। फिर -4 और 9 के सहखंड चाहिए, तो इन्हें के सहखंड चाहिए तो इसका भी ये हो गया माइनस, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 42 और ये जो है इसका होता है ये -3 रह जाएगा, तो ये लीजिए ये आ रहा ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कोफैक्टर के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अपन करते हैं प्रैक्टिस जो मैं डायरेक्ट बता रहा था। तो एक तो इस क्वेश्चन को किससे सोल्व करो आप, प्रॉपर्टीज से, दूसरा मान के करते हैं, कैसे करते हैं मान के, ये लीजिए ए बी सी में आ रहा है तो ए की वैल्यू ले लो यहां पे 1, बी की वैल्यू ले लो 2 और सी की वैल्यू ले लो 3। क्यों ऐसा करते ही अपना क्या बन जाएगा, आंकिक बन जाएगा, अगर आंकिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, लीजिए ये आ गया 1 1 1, ये आ गया 1 2 3, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और बी सी 2 × 3 6 और माइनस ए सी है तो ये आ गया -3 और ए बी है तो ये आ गया -2, तो ये बन रहा है, तो ये बन गया 1 1 1 1 2 3, ये बन गया -5, ये बन गया 1 और ये बन गया 7। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपना 1 1 1 2 1 3, तो ये आ गया 7 × 14, ये आ गया 1, ये आ गया -15, तो ये लीजिए 0, इधर से गया तो ये आ गया -10, ये आ गया 3 और ये आ गया 7, ये भी कितना आ रहा है 0, तो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। अब देखो 0, अब एक में तो ये डायरेक्ट 0 है, अब ऑप्शन में रख के देखते हैं, यहाँ रखा ऑप्शन में रखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर 3 × 1 × 2 × 3, तो 3 × 3 9 9 और 1 10 10 4 14, ये 3 × 3 9 9 × 2 18 -4 जो कि 0 के बराबर नहीं है तो रिजेक्ट हो गया, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है। एक और देखो, इसमें x और y इसकी वैल्यू पूछ रही है, तो ये लीजिए x का मान रख दो 1 और y का मान रख दो 2, रख के सॉल्व कर लीजिए, या 2 3 रख दो, ज़्यादा ऑप्शन बनने के चांस बनते हैं तो 2 3 रख दो ना, ऐसे मान रख सकते हो आप कुछ भी। तो देखो मान रखोगे तो कितना बनेगा 1 1 1 1 1, 2 रखा तो ये 3, ये 1, ये 1 और 2 3 रखा तो ये 4, ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 4 3 12, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 4, 4 3 7 1 8 और ये 14 है, तो 14 - 8 कितना आ गया दोस्तों 6, तो 6 कब आएगा, इनमें तो बन नहीं रहा, इनमें 2 × 3 तो 6 बन रहा है, ये लीजिए ऐसे कर सकते हो आप। और ऐसे करोगे तो आपका विद इन 20 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके चलिए इसको करके दिखाया, इसमें तो उल्टा पूछा कि इसके मूल क्या क्या है, तो रख रख के देख लो, देखो पहले 1 रख के देखते हैं, अगर 1 संतुष्ट कर जाता है तो ये 2 रिजेक्ट हो गए, और 1 संतुष्ट नहीं करता तो इन दोनों में से हो जाएगा। तो देखो 1 रखा तो देखो बाय ऑप्शन से कर रहा हूं, 1 1 1
जब x का मान कितना हो, एक, तो यह आ गया चार, यह आ गया माइनस दो, ये आ गया दो गुणा एक, ये आ गया बीस, ये आ गया पांच, एक का स्क्वायर एक, तो एक गुणा पांच पांच आ गया, ये लीजिए। तो ये एक चार एक माइनस दो एक दो, जीरो होना चाहिए इसका मान रखने पे। ये लीजिए सोल्व करते हैं, तो ये आ गया माइनस का दस, ये आ गया बीस और ये आ गया चालीस, इसको रखा तो ये आ गया माइनस चालीस, ये आ गया दस और ये आ गया पाँच सौ का बीस, तो ये बचा माइनस दस और इधर से बचा पचास, तो पचास माइनस माइनस दस तो आ रहा साठ, जो कि जीरो नहीं है, मतलब प्लस वन रिजेक्ट। तो इन दो में से कोई एक होगा, तो मैं अब यहाँ पे कितना रख के देख लूँ, दो, तो x बराबर रखा दो, तो दो रखूँगा तो कितना आएगा, एक चार बीस, एक माइनस दो पाँच, एक दो दूनी चार, दो का स्क्वायर चार, चार गुणा पाँच बीस, ये लीजिए ये दो पंक्तियां बराबर हो गई, तो आंसर जीरो, मतलब प्लस दो होगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, क्योंकि प्लस दो होगा तो माइनस दो नहीं होगा फिर। ओके, ये लीजिए करके देखिए आप, ए बी सी के मान रख दे, लीजिए का मान है एक, बी का मान रखा दो, सी का मान रखा तीन, तो एक रखूंगा तो ये एक दो तीन, तो एक माइनस दो तो माइनस एक, माइनस एक माइनस तीन तो माइनस का चार बन रहा है, फिर यहाँ रखा दो गुणा एक दो, यहाँ दो गुणा एक दो, वहाँ दो भी रखा तो कितना हो गया चार, यहाँ रखा दो माइनस तीन तो माइनस एक, माइनस एक माइनस एक तो माइनस का दो, फिर दो गुणा दो चार, फिर दो सी कितना हो गया छः छः, ये रखा तीन माइनस एक माइनस दो तो ये हो गया जीरो, ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से छः कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ रहा है ये माइनस दो एक एक, ये दो माइनस एक दो, और ये जो है वो कितना आ रहा है एक एक जीरो, तो मैं सीधा प्रसार कर रहा हूँ अब, ये लीजिए ये छः चौक चौबीस बन गया, तो इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो ये आ जाएगा एक के सापेक्ष दो, दो प्लस एक, फिर इस माइनस एक के सापेक्ष आ जाएगा ये गया, तो ये आ गया माइनस चार और माइनस दो और इसमें जीरो आ जाएगा, तो ये आ गया चौबीस, ये आ गया तीन, ये माइनस का छः प्लस एक तो सात, सात ही इक्कीस गुणा चौबीस, इक्कीस गुणा चौबीस बन रहा है, तो देखो इक्कीस गुणा चौबीस कितना बनेगा, चलिए पहले में रख के देखते हैं, तो ये आ गया एक प्लस दो प्लस तीन, तीन दूनी छः, छः तीन दो पाँच, एक छः, छः का स्क्वायर छत्तीस, जो कि इक्कीस गुणा चौबीस नहीं होगा, इसमें क्यूब किया तो छः का क्यूब 216, तो ये तो 216 से ज़्यादा ही जाएगा ना, 21 गुणा दस ही 210 हो जाए, तो ये भी नहीं है, इसमें रख के देखो तीन गुणा दो पाँच एक छः, यहाँ रखा दो एक गुणा दो दो, दो गुणा तीन छः, तीन गुणा एक तीन, तो छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह छः तीन नौ दो ग्यारह, ग्यारह छः छियासठ आ रहा है, जो भी उसके बराबर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है, बाकी और भी देख सकते हो आप, थोड़ा सा गरीब मिस्टेक हो जाए देखना, इसमें थीटा की वैल्यू रख लो, ये लीजिए थीटा बराबर कितना रख दिया जीरो, अब दो ऑप्शन ऑफ जाते हैं तो फिर वैल्यू चेंज करेंगे, तो जीरो रखा तो ये आ गया जीरो जीरो एक, थीटा का एक्स का मान कितना ले लिया जीरो डिग्री, तो ये आ गया एक, ये जीरो, ये एक, ये आ गया माइनस दस बारह दो, ये लीजिए, तो प्रसार कर दिया तो इसके सापेक्ष प्रसार किया तो ये आ गया बारह, तो जीरो रखने पे बारह आना चाहिए, तो देखो इसमें तो जीरो आ रहा है, इसमें जीरो रखने पे जीरो आ रहा है, इसमें जीरो रखने पे ये जीरो हो गया, और कोस जीरो का कितना हो गया एक, एक गुणा बारह हो गया बारह, ये हो सकता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, और इसमें कितना आ गया माइनस का बारह आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। ओके, एक और है, इसमें वैल्यू मान लो, ये लीजिए ए की वैल्यू मान ली एक, बी की वैल्यू मान ली दो, सी की वैल्यू मान ली तीन, या तो ए बी सी मिलेगा या एक्स वाई जेड मिलेगा, बस मान लीजिए, है ना, तो ये कितना बन रहा है वन वन वन, ए की वैल्यू एक, बी की वैल्यू दो, सी की वैल्यू तीन, ये एक का स्क्वायर एक, बी गुणा सी तो दो गुणा तीन छः, एक माइनस छः माइनस पाँच, बी का स्क्वायर चार और एक गुणा तीन तीन तो चार माइनस तीन तो एक, सी का स्क्वायर नौ, नौ गुणा दो, नौ माइनस दो सात, ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो एक 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 दो माइनस पाँच एक, ये कितना आ गया सात उन्नीस चौदह, ये आएगा माइनस पंद्रह, ये कितना आएगा एक, ये आएगा माइनस दस, ये आएगा तीन, ये आएगा सात, तो ये तो हो गया जीरो, इधर से ये भी कितना हो गया जीरो, तो जीरो माइनस जीरो कितना आएगा जीरो, तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो यहाँ जीरो नहीं बनेगा, एक गुणा दो गुणा तीन, तीन गुणा तीन, है ना, छः गुणा तीन अट्ठारह बनेगा, ठीक है, चलिए
तो इस तरीके से अपन ये सारणी के क्वेश्चन कर सकते हैं जो ये अभी मेथड यूज किया। अगर आपको इस सारणी में से कुछ भी नहीं आता और ये अभी जो बताया वैसा कर सकते हो तो नो डाउट आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके एयरफोर्स नेवी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके तो दोस्तों ये होता है अपना यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड खत्म। इसके बाद एक चीज़ और बचती है, सारणी का अवकलन, सारणी का समाकलन, सारणी का योग और सारणी का गुणा। ओके उसके बाद चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा।